अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, चिकन मसाला कलेजी की रेसिपी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। यूनिक फ्लेवर के साथ इस रेसिपी को प्रोवाइड करा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसे मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल ले लीजिएगा। आज हम मस्टर्ड ऑयल में ही इसे बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसको जब भी गरम हो जाएगा तो हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो तेल गरम किया था इसको हम किसी बर्तन में निकाल ले रहे हैं और थोड़ा सा इसमें ऑयल हम बचा रहने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे तेल को हमने निकाल लिया है। अब हमने इधर चिकन को फ्रेंड्स अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसके पानी को ड्रेन कर दिया था। छलनी में फ्रेंड्स हमने चिकन कलेजी को रख दिया था, जिससे कि सारा पानी इसका ड्रेन हो गया। उसके बाद हाई फ्लेम पर हम इसको डालेंगे। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे ना, तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन हमें फुल आँच पर इसको हमको फ्राई करना है। जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा ये कलेजी पानी छोड़ेगी, तो हमें घबराना नहीं है। हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको फ्राई कर लेना। इस प्रोसेस को करने से फ्रेंड्स चिकन में बिल्कुल भी जो इसकी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी। एक बार आप बनाइएगा ज़रूर, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर हमने सारी कलेजी को इस तरीके से भून लिया था। तकरीबन 80% तो हमारी कलेजी भून कर ही तैयार हो जाएगी। चिकन कलेजी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो हमने तेल लिया था, इस तेल को हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच, जितना आप लेते हो तो उतना आपको ले लीजिए। इसके बाद एक मीडियम साइज़ के जो प्याज थी इसको हमने चॉप कर लिया था फ्रेंड्स। तो चॉप की प्याज को हम इसमें डाल करके हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स हम इसको भूनेंगे। तो लाइट गोल्डन होने तक हम इसे भून लेंगे। इसी दौरान एक हम तेज़पत्ते को फ्रेंड्स इस तरीके से डाल दे रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा डाले दे रहे हैं, सफ़ेद जीरा है फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसको डाल करके इसको भी लाइट गोल्डन होने तक प्याज के साथ इसको फ्राई कीजिए। जब भी बढ़िया से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फ्रेंड्स, तब 1 टेबल स्पून भर के हमें लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है और उसको भी थोड़ा सा हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स। 80% तक हमारी कलेजी फ्राई हो गई। तो मसाले को हमें यहाँ बहुत ध्यान से इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, 4 छोटे साइज़ का हमने टमाटर लिया था और उसको भी फ्रेंड्स हमने छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर लिया था। तो पिसा हुआ मत लीजिएगा। तो हमने प्याज को भी पिसा नहीं था और ये टमाटर को भी हमने कट किया। तो मसाला कलेजी बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके अच्छे लगेंगे। एक मीडियम साइज़ के हमने शिमला मिर्च लिया था फ्रेंड्स, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया। नॉर्मली बच्चे हमारे सब्जी नहीं खाते, लेकिन चिकन में इस तरीके से डालेंगे ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। इसी बहाने से हमारे घर के लोग जो है ना सब्जियाँ भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने शिमला मिर्च डाल दिया और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही बढ़िया इसका मसाला हमारा तैयार होगा। तो 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें धनिया पाउडर ले रहे हैं, 1/4 टीस्पून हमने इसे लाल मिर्च लिया है और 1/2 टीस्पून भुजा कुटा हुआ जीरा लिया है फ्रेंड्स। 1 टीस्पून हम गरम मसाला ले रहे हैं, ये हमारे घर का गरम मसाला है। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया से इसे हमें भूनना है, तो हाई फ्लेम पर हम इसे भूनना है फ्रेंड्स। तो 1 टीस्पून हमने इसमें डेगी मिर्च डाल दिया है। डेगी मिर्च ले लें या कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, इससे इसका कलर बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम सारे मसालों को डालेंगे ना तो नीचे से लिपटने लगेगा, तो उस वक्त हम थोड़ा सा पानी डाल करके हाई फ्लेम पे बस मसालों को और सब्जी को हम भूनते जाएंगे। इसको बहुत ही बढ़िया से फ्रेंड्स हमको भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया से सब्जियां मैश हो जाए और हमारे मसाले बढ़िया से भून जाए। 4 से 5 हमने फ्रेंड्स से हरी मिर्च लिए थे, तो हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें हम कम करेंगे। हरी मिर्च को हमने इमामदस्ते में इस तरीके से कूट लिया, तो इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। चाहे तो आप चाकू से कट कर लें, चाहे आप भी कूच करके इसको डाल दें। मिक्सी में पीस के भी आप इसको डाल सकते हो, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। तो अच्छे से आप इसको दबा दबा के प्रेस करके फ्रेंड्स इसे फ्राई कर लें। और 1 टीस्पून हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा, मैंने 1 ही टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना फ्रेंड्स। फ्लेम का खास ध्यान रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम को मीडियम मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पर आप इसको दबा दबा के प्रेस करके इसे आप अच्छे से भून लीजिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया से भून जाना चाहिए, इसलिए कि 80% तक हमारी कलेजी गल चुकी है और मसाले में ज़रा सा भी कच्चा रह जाएगा तो ये हमें अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। तो बढ़िया से आप इसे फ्रेंड्स भून लीजिएगा और जब भी भून जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें इस कलेजी को हम ऐड करेंगे। तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से काच करके सारी कलेजी को निकाल करके अच्छे से आप इसमें डाल दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम सब्जियों को और कलेजी को बढ़िया से मसाले के साथ थोड़ा सा भुनाई करेंगे ताकि कलेजी और मसाले सब एक जान हो जाए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके अच्छे से इसको मिक्स कर लें फ्रेंड्स।
और इसके बाद थोड़ी देर हाई फ्लेम पर आप इसको भून लें, सारा मसाला सब्जी सब एक जान हो जाए फ्रेंड्स इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपको सूखा सूखा बनाना है फ्रेंड्स तो पानी थोड़ा कम डालेगा, लेकिन मैं रात के डिनर के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स तो हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो पहले हमने आधे गिलास पानी डाल के इसको चेक किया था कि देखें ये कितना होता है, लेकिन 6 से 7 मिनट फ्रेंड्स ये पकेगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, तकरीबन 1/4 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाला है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए इतना बचा हुआ है। तो 1/4 गिलास से करीब हमने पूरा पानी डाला है, 3-4 गिलास। तो अच्छे से हमने डाल दिया फ्रेंड्स, और तकरीबन 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि कलेजी और मसाले का फ्लेवर एक जान हो जाए फ्रेंड्स इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट के बाद जब ये गल जाएगा तब हम इसे खोल के आपको दिखाते हैं। अब इस वक्त फ्रेंड्स हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और थोड़ी सी हमने 2 से 3 हरी मिर्च थी बीच से कट करके उसे डाल दिया है फ्रेंड्स। थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक थी इसे हमने डाला है, और खूब बढ़िया से इसमें हरी धनिया डाल दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त धनिया बहुत ही बढ़िया मार्केट में आ रही है, तो देसी धनिया बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू देती है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें धनिया डाल दिया है। अब फ्रेंड्स देख के मैं आपको दिखा रही, अभी ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है फ्रेंड्स इसलिए कि बहुत गर्म है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये पानी सोख लेगा। तो इसमें हमने जितना पानी डाला था बहुत ही बढ़िया था फ्रेंड्स। एक जरूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़रूर डालिएगा लास्ट टाइम पे, आप इसमें 1/2 लेमन जूस इसमें आप डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही हमने इसमें लेमन जूस डाला ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें थोड़ी सी बीज आ गई, मैं उसे निकाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, सारा फ्लेवर लेमन जूस का इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। इधर फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा मटर पुलाव बना लिया, तो मैंने आपसे बताया कि मेरा रात के डिनर का टाइम है, तो फ्रेंड्स डिनर के लिए मैं बना रही हूँ और इसको हम सर्व करके भी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने इसको ढक के रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स जितना पानी था वो थोड़ा गाढ़ा हो गया फ्रेंड्स। देखिए सालन बहुत ही बढ़िया बन के मसाला इसका तैयार हुआ, तो ना ये गाढ़ा है और ना ये पतला है, तो मसाला कलेजी बहुत ही बन के बढ़िया बन के तैयार होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाए फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, और रोटी चावल से खाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मेजरमेंट है। तो 1/4 गिलास से करीबी पानी डालिएगा, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती से हमने गार्निशिंग कर दिया। तो देखा फ्रेंड्स कितनी बढ़िया से मसाला कलेजी बनके तैयार हुई। तो फ्रेंड्स 6 से 7 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं, जिनकी छोटी फैमिली उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इसको हम सर्व करके आपको दिखा रहे हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी करके आपको दिखाएंगे कि बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। तो हमने इसमें थोड़ा सा मटर पुलाव और थोड़ी सी हमने रोटियां बनाई थी, तो हम लोगों के लिए काफ़ी है, काफ़ी बच भी जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और अगर आपको पोटा कलेजी की रेसिपी देखना हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें। मैंने इसी चैनल पर पोटक के साथ कलेजी बनाया है, वो भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, तो उसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी मैं इसे आपको दे दूंगी, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी हमने प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसलिए कि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। हम नए यूट्यूबर्स हैं, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ वीडियो की क्लिप्स मैंने अपने चैनल की लगा रखी है, अगर आपका दिल करे तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। सारी रेसिपीज एक से बढ़कर एक है, आप एक एक करके ट्राई करें, चैनल पर विजिट ज़रूर करें। ऐसी बढ़िया बढ़िया से रेसिपीज़ लेकर मैं आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं किसी बढ़िया से रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।